पीपल, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। इतनी देर, तो इतनी आराम से, मतलब बहुत आराम से बोल नहीं, मैं तो अपनी पूरी जान लगा के बोल रही हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। अब आप बताना आपको सुनाई दिया या नहीं। तो आज ये होली के बाद का दिन है एंड देखो, मैंने अभी ब्लीच किया था और मेरा कलर बिल्कुल निकल गया। हाँ हाँ, अब थोड़ा लग रहा है कि हाँ करना चाहिए ब्लॉग भी। तो अभी हम लोग जो है आए हैं यहाँ पे मॉल में, और एज सब घर वाले थे तो सब बैठे बैठे बोल रहे थे तो चलो मॉल चलते हैं। तो ये है गौर सिटी मॉल। मैंने पहले भी एक ब्लॉग बनाया था बट मैंने अपलोड नहीं किया, पता नहीं क्यों नहीं अपलोड किया, अपडेट करने का टाइम नहीं मिला या क्या था, मुझे नहीं याद है। तो लेट्स सी, इसको फ़ोन ले, मैं देखते हैं कौन सा फ़ोन लेगा आज, फाइनली लेगा या नहीं लेगा, या तो वाइट या फिर वो तो है नहीं अवेलेबल, वो कब तक। तो वाइट ले लो, ब्लैक ही, ब्लैक ही तो है। मुबारक हो, मुबारक हो। हाँ सही लग रहा है। अब इस पे कवर चढ़वाते हो, टेम्पर ये बड़ा महंगा चढ़ा रहे हैं। अरे इसने तो मुझे भी लूट लिया था जब ये वाला फोन लिया था, तब लूट नहीं लिया था, 400 रुपए का कवर दिया था। बोल रही हूँ कि तुम्हारे फोन से ब्लॉक करते, थोड़ी टेस्टिंग भी हो जाएगी, दे ही नहीं रहा ये आदमी। यार एक्चुअली ना मैं मतलब ठीक है, आया नहीं कुछ दिमाग में, आया नहीं कुछ डायलॉग मारने के लिए। अरे यार मैं इस पे कवर चढ़वा लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ। नया फोन लिया है तो मैंने सोचा क्लियरिटी चेक कर ली जाए कि शिल्पा के फोन से कैसा है। लेट्स सी, मुझे तो बेटर लग रहा है उसके फोन से। कैसी लग रही है क्लैरिटी? तेरे से कम लग रही है। क्लैरिटी अच्छी नहीं लग रही है, मैं बोल रहा हूँ तेरे से कम है मुझे भाई। 13-60 हज़ार का है, मेरा 30 आधे रेट का। मैंने सोचा कि कल को जैसे मेरे फ़ोन में चार्जिंग खत्म हो जाती है तो एक बार ही ट्राई कर लेते हैं कि सौरभ के फ़ोन से कैसा बनता है, क्या पिक्चर क्वालिटी आती है। ये चार्जिंग वार्जिंग थोड़ा ड्रॉप हो जाती है तो उसे पता चल जाएगा कि हाँ मैं इसके फ़ोन से भी कर सकती हूँ। और एक एक वो हो जाता है कैमरा, क्योंकि बार बार ऐसा है दूसरा कैमरा नहीं उठा जाता। कैसी लग रही है? मैं नॉर्मल ही लग रही है, मुझे भी नॉर्मल ही लग रही है। इसी जगह पे आपका दिखा कैमरा इसे बनाना, दोनों को कंपेयर करेंगे। देखो एक जो एक वो क्लैरिटी है ना, ये देखो ये हमारे असली रंग है जो आईफोन में दिख रहे हैं। ये आईफोन में इतनी क्लैरिटी नहीं, नहीं इस जगह पे देख भैया लाइट पड़ रही है मुंह पे, वो सेम है ना। ना सेम है, सेम है ना ना भाई। फिर मेरा 32 का तेरा 60 का डबल भी तो है। तो भाई बता रही हूँ ना, ऐड मार रहे थे तो ऐड मत मारो। आओ चलो चले, कंफ्यूजन हो गई वो लेने में, बार बार जाता है इधर उधर। ठीक है देखो एक जो एक वो क्लैरिटी है ना, ये देखो ये हमारे असली रंग है जो आईफोन में दिख रहे हैं। ये आईफोन में इतनी क्लैरिटी नहीं, नहीं तो ऑर्डर किया है छोले भटूरे, एक चीज और इतना बड़ा बिल। ये देखो लिया कुछ नहीं, बिल इतना बड़ा दे दिया। वैसे पता नहीं मैंने क्या पूरा यहाँ से सारी एक 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 डिश जो है वो ऑर्डर की है। क्या हमने छोले भटूरे ख़त्म कर दिए, लेकिन पिज्ज़ा वाले के पास लड़ाई हो गई है ना। हम लोग इतनी देर से खड़े थे, एक काउंटर बोला हुआ, लोगों ने दूसरे काउंटर पे लाइन बना ली। अब वो कह रहा है इस लाइन में, बोला मैं 15 मिनट से बनाऊँ, मैं पीछे भी जाऊँगा। वो लगी है फिर आता पागल साहब। अब खाना पीना हो गया तो खाना डाइजेस्ट करने के लिए ये सोच रहे हैं कि यहीं घूमें या फिर घर से। पर ऐसा कुछ लेना वेना तो है नहीं, तो घूमने का पैर तोड़वाने का कोई मतलब ही नहीं है। राइट, पहली बार तुमने सही बात कर रहे। लेकिन अगर तुम एग्री हो गए तो फिर मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। हाँ भाई घूमना या चलना मॉल में ही? तुम बात मान तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे उल्टा करना पड़ेगा। नहीं तुमने पहली बार कहा कि पैर नहीं जुड़वाते घर चलते हैं, मैं चलो। मुझे पता भी नहीं हुआ क्या, मुझे सॉरी बोल दिया और उसने कहा बेवकूफ में पागल हो पीछे पड़ जाएगी। अरे भैया कुछ हो तो तभी तो पीछे पड़ो, ऐसे ही सॉरी बोल रहा है, लोग सॉरी बोलते रहते हैं मुझे पगला। इसको एटिकेट्स कहते हैं जो तुम में नहीं है। नहीं ये पगला कितना सुंदर है यार, इस दुकान पे इतना अच्छा लग रहा है ना। ये टॉपिक की तैयारी है, रीजनेबल प्राइस है ना, इसके बहुत मज़ा आ रहा है और मन कर रहा है चीज़ें लेने का। सुंदर है यहाँ पे बुद्धा, और इसका प्राइस है 2200 और इसमें भी 10% ऑफ है। काफ़ी अच्छा है, कोई वो नहीं है, और ये भी प्रॉपर है, कोई वो नहीं है, पत्थर है, प्रॉपर पत्थर है। हाँ
कितने प्यारे लग रहे हैं। बहुत, मैं दिखाती हूँ एक मिनट। ये कितने अच्छे बुद्धा हैं। वैसे तो यहाँ पे पूरी कीचड़ हो रही है। ये है ये वाले बुद्धा, ये 11,500 के। सुंदर लग रहे हैं ना, घर की एंट्री पे रखे हुए अच्छे लग रही है, बहुत सुंदर लग रहा है। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। फ्रीज पेन दोबारा आ गया। देखते हैं इसका क्या निकलता है। 1 spin ₹100। पापा हटो, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। फिर आया फ्रीज पेन। ये इनका तीसरी बारी फ्रीज पेन आ रहा है ना। तीन स्पिन का वैसे भी करना क्या है। टैटी और बेटर लक नेक्स्ट टाइम। कुछ नहीं मिला। चलो चलो जी, 200 रुपये भैया के गेम का 200 रुपये। खड़ी थी इनको स्पिन में हर बारी फ्री स्पिन। उसके बाद बेटर लक नेक्स्ट टाइम निकला। ये इन सबका यही होता है। ये भैया अगर गिरेंगे ना तो इनका जाएगा भी, और उसके बाद अगर ये स्पिन भी करेंगे ना तो उनका टैडी बियर भी निकलेगा। इनको सब कुछ पता होता है कैसे घुमाना। बस 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 रुक जा, रुक। सीधा लो, नहीं सीधी रुक जा यार। सीधी कैसे आएगी? ये दिखती भी नहीं होगी। रुक जा ऊपर टायर ऊपर चढ़ जाएगा। एक मिनट, आगे लो और आगे हो। इधर अरे एक मिनट, वो इस साइड वो हो रहा है। एक मिनट, पीछे हो, पीछे करो थोड़ा सा, पीछे हल्का पीछे करो। तो हम लोग आ गए घर, कपड़े चेंज कर लिए, मुंह धो लिया अच्छे से, और सौरभ ने अपना सारा डेटा भी लग गया ट्रांसफ़र करने, क्योंकि नया नया आता है, हर किसी को शौक होता है डेटा ट्रांसफ़र करने का। तो अभी आपने देखा था वो गाड़ी फंस गई थी। तो हुआ क्या था कि जैसे हम लोग निकाल रहे थे उधर से, तो एक छोटा सा डिवाइडर बना हुआ था, छोटा सा जैसे ईंटों वाला एक सेक्शन बना होता ना, एक डिवाइडर बना होता है। तो क्या हुआ था कि पहला टायर तो चला गया, बट जब दूसरा टायर वो मतलब क्रॉस हो गया उससे, मतलब एक टायर इधर एक टायर इधर बीच में वो आ गया था, तो समझ नहीं आ रहा था कि आगे पीछे ले कैसे, क्योंकि आगे ले रहे थे तो पीछे वाला टायर से वो स्क्रैच हो रहा था नीचे पत्थर, पीछे ले रहे थे तो पीछे वाले टायर से, और नीचे जो प्लेट्स थी वो हो रही थी, घिस रही थी। तो थे वहाँ पे कुछ लोग, तो फिर उन्होंने हेल्प लगाया, क्योंकि मैं भी कर रही थी कि ऐसे करो ऐसे स्ट्रिंग करो, पर समझ नहीं आ रहा था कि कैसे निकालें। तो फिर किसी ने हेल्प कराई, उन्होंने बताया अच्छे से कि कैसे काटना है। तो जैसे ही हमने काट के मैं आगे आई, तो वो पीछे में, हमको सोचा कि पीछे जाके थैंक यू बोल गया हूँ, लेकिन वो इतने में चले गए। तो वह ठीक है, हो गया, निकल गई, शुक्र है। नीचे अभी पता नहीं, शायद डैमेज हुआ नहीं है, बट स्टिल कभी अगर कराना रहेंगे सर्विस वगैरह तो देखेंगे कि नीचे से कुछ डैमेज हो रहा है। ठीक है, निकल गया, थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया। और हम लोगों ने फिर जाके उसके बाद टेम्पर्ड भी लगवा लिया, कवर तो मिला नहीं, मेरे को भी नहीं मिला, इसको भी नहीं मिला, बट ठीक है, सही ठीक से हम लोग घर आ गए एंड सबका मूड भी ठीक हो गया। अब क्योंकि उस टाइम कुछ भी होता है ना यार, अब समझ में नहीं आता यार हुआ क्या। अभी तो हम निकले हैं, मतलब एकदम नीचे से ऐसे आवाज़ आ रही थी जैसे पता नहीं बेंड हो गई हो नीचे से गाड़ी, है ना, ऐसे लग रहा था जैसे नीचे से पता नहीं क्या हो गया, बेंड हो गया क्या हो गया, नीचे से आवाज़ें आ रही थी। पर ठीक है, दिमाग तो उसका भी ख़राब हो रहा था, ये ज़्यादा वो कर रहा है, नॉर्मल हो गया, रिलैक्स हो गया, इसका दिमाग ख़राब हो गया था। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, और आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। तब तक के लिए आप आदवाज व्लॉग को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो, और बेल आइकन को प्रेस करो। मिलते हैं फिर दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।